हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पीएलसी, पीएलसी क्या है, उसका वर्किंग क्या है, पीएलसी का एडवांटेज एंड एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। जो पीएलसी है उसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। तो हम पीएलसी का यूज क्यों करते हैं उसके पहले हम बात कर लेते हैं। आपके पास मान लो कि कोई इंडक्शन मोटर है, उसको हम ऑन ऑफ या प्रोटेक्शन के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करेंगे तो उसमें तीन कॉन्टेक्टर यूज होता है, एक कॉन्टेक्टर, एक स्टार कॉन्टेक्टर, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर। उसमें ओवरलोड रिले यूज होती है जो प्रोटेक्शन के लिए। टाइमर यूज होता है कि हम पहले स्टार में रन कराएंगे मोटर को, फिर हम डेल्टा में रन कराएंगे। तो वो सब यूज होगा तो उसका वायरिंग भी ज्यादा होगा। वो सिर्फ एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा मोटर है उसको कंट्रोल करना है तो आपको अलग अलग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करना पड़ेगा। नाले उसकी साइज भी बहुत ज्यादा होगी और उसका वायरिंग भी ज्यादा होगा, तो उसका फॉल्ट होगा तो वो आपको इजीली नहीं मिलेगा। तो वो सब ना हो इसके लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। जो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है पीएलसी है, उसका जो मेजर यूनिट है जो सीपीयू है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है, जो एक डिसीजन यूनिट है, मतलब हमने जो प्रोग्राम एंटर किया है उसको लॉजिक को सोल्व करने का काम करता है। जो सीपीयू है, कोई इनपुट सिग्नल आया फील्ड से तो उसको जो लॉजिक है उसको सोल्व करके आउटपुट में सिग्नल भेजता है, जो सीपीयू का जो मेन फंक्शन है। सीपीयू में जो सिग्नल आता है जो इनपुट मॉड्यूल से आता है, जो इनपुट मॉड्यूल है जो फील्ड के साथ कनेक्ट रहता है, उसमें दो टाइप का इनपुट रहता है, एक डिजिटल इनपुट रहता है, एक एनालॉग इनपुट रहता है। जो डिजिटल इनपुट है जो ऑन ऑफ सिग्नल बताएगा, या तो ऑन सिग्नल बताएगा या तो ऑफ सिग्नल बताएगा। जैसे पुश बटन है उसको हम प्रेस करेंगे, जो एनो कॉन्टेक्ट है तो एनसी हो जाएगा, जो एनसी कॉन्टेक्ट है तो एनो हो जाएगा, जिसको हम डिजिटल इनपुट बोलते हैं। और जो एनालॉग इनपुट है वो कंटिन्यूस सिग्नल भेजेगा, मतलब कोई टेम्परेचर सेंसर है वो कंटिन्यूस सिग्नल भेजेगा, जिसको हम एनालॉग इनपुट बोलते हैं। इसके लिए हम 0 to 10 volt, 4 to 20 mA या 0 to 20 mA का यूज करते हैं। कोई ऑयल की टैंक है उसका लेवल कितना है, इसके लिए हम एनालॉग सिग्नल का यूज करते हैं, जो कंटिन्यूस सिग्नल मिलता है फील्ड से, जिसको हम एनालॉग इनपुट बोलते हैं। जो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है जो इनपुट मॉड्यूलर का है, कॉमन पावर बस रहता है, जिसको हम एनओ एनसी कॉन्टेक्ट से इनपुट मॉड्यूल है उसमें हम सिग्नल भेजेंगे। वो सिग्नल हम कौन कौन से इनपुट से भेजेंगे, जो पुश बटन हो गया, लिमिट स्विच, टॉगल स्विच, एनालॉग सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सिलेक्टर स्विच, वो सबसे हम इनपुट सिग्नल को इनपुट मॉड्यूलर में भेजेंगे। और जो इनपुट मॉड्यूलर है जो सीपीयू में भेजेगा, जो सीपीयू है जो प्रोग्राम रीड करेगा, जो लॉजिक सोल्व करेगा, और उसका जो आउटपुट है जो आउटपुट मॉड्यूल में भेजेगा। और उसमें भी दो टाइप का आउटपुट रहता है, और डिजिटल आउटपुट है, एनालॉग आउटपुट है। जो डिजिटल आउटपुट है जो हमने पहले देखा था, जो ऑन या ऑफ का सिग्नल बताएंगे, और जो एनालॉग आउटपुट है कंटिन्यूसली सिग्नल बताएगा। यहाँ पे जो आपको इमेज में दिख रहा है जो आउटपुट मॉड्यूल है, उसमें आउटपुट सिग्नल है वो हम फील्ड में भेजेंगे। आउटपुट मॉड्यूल से क्या क्या ऑपरेट होता है, जो रिले कार्ड ऑपरेट होता है, मोटर स्टार्टर ऑपरेट होता है, सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट होता है, इंडिकेशन लाइट ऑपरेट होती है, एलईडी डिस्प्ले जो ऑपरेट होती है, जो आउटपुट मॉड्यूल है उसमें आउटपुट सिग्नल रहता है, उससे ये सब हम ऑपरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जो सीपीयू है उसका अपर साइड कनेक्ट रहता है, जो एप्लीकेशन है उसमें हम प्रोग्राम अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रोग्राम है हम केबल थ्रू पीएलसी में परमानेंट अपलोड कर सकते हैं। उसमें ईप्रोम रहता है जिसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। मेमोरी में जो प्रोग्राम है वो कौन कौन सी लैंग्वेज से बनता है, चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोग्राम लैंग्वेज है, उसमें फर्स्ट है जो लैडर लॉजिक है, जो पीएलसी में ज्यादातर लैडर लॉजिक का यूज होता है। जो सेकंड है एफबीडी लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है। थर्ड है एसएफएल लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म है सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट है। फोर्थ है एससीएल लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चरल कंट्रोल लैंग्वेज है। और फिफ्थ है जो इंटरप्शन लिस्ट है, उसमें ज्यादातर हम पीएलसी में लैंग्वेज यूज करते हैं, जो लैडर लॉजिक से हम प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पीएलसी क्या है। तो पीएलसी का दो टाइप रहता है, एक कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी रहती है, एक मॉड्यूलर टाइप पीएलसी रहती है।
जो कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी है उसमें इनपुट आउटपुट है वो फिक्स रहता है, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट है वो ऐड नहीं कर सकते। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें जो इनपुट आउटपुट सेट किया है वही रहता है। जहाँ पे मॉड्यूलर पीएलसी है उसमें हम इनपुट आउटपुट सिग्नल है वो हम ऐड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के मुजब। यहाँ पे जो आपको इमेज में दिख रहा है वो डेल्टा कंपनी की पीएलसी है, जिसमें ऊपर की साइड है जो पावर रन एरर बैटरी लो उसका इंडिकेशन लाइट है, मतलब जब हमारी पीएलसी में पावर है तब पावर वाला इंडिकेशन ऑन होगा, जब रनिंग कंडीशन में है तब रन वाला इंडिकेशन होगा, एरर आएगी तब एरर वाला इंडिकेशन होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे इंडिकेशन है, और उसके नीचे जो इनपुट आउटपुट है उसका इंडिकेशन है। जो इनपुट है जो 0 से लेके 7 तक है और 10 से लेके 17 तक है जो हमारा इनपुट सिग्नल है। जैसे ही हम इनपुट में सिग्नल देंगे तब हम कोई भी नंबर में सिग्नल देंगे तो उस नंबर की एलईडी है वो ऑन होगी। वैसे ही हम आउटपुट में जैसे ही सिग्नल मिलेगा जो 0 से लेके 13 तक है, तो जैसे ही जो आउटपुट में सिग्नल मिलेगा तो एलईडी है जो ऑन होगी। उसकी साइड है जो इनपुट टर्मिनल है जो फर्स्ट है सिंक एंड सोर्स, मतलब आपको पॉजिटिव से कंट्रोल करना है या नेगेटिव से कंट्रोल करना है इनपुट को, वो हम यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। जो फर्स्ट सिंक एंड सोर्स है उसके नीचे जो X0, X1, S7 तक है जो हम पहले सिंक एंड सोर्स का यूज कर सकते हैं, उसके साइड में जो आउटपुट टर्मिनल है वहां से हम आउटपुट सिग्नल लेके हम फील्ड में कोई भी एप्लीकेशन को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो C0, Y0, Y1 है, C1, Y2, Y3 है, वो सब आउटपुट टर्मिनल है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पीएलसी, उसमें फर्स्ट है फ्लेक्सिबल है, हम पीएलसी यूज करेंगे वो फ्लेक्सिबल है। फास्ट रिस्पॉन्ड टाइम है, रिस्पॉन्ड टाइम है उसका फास्ट है। लेस एंड सिंपल वायरिंग है, हमने आगे भी देखा था कि स्टार डेटा स्टार्टर यूज करके मोटर को कंट्रोल करेंगे तो उसका वायरिंग ज्यादा रहता है, जब हम पीएलसी यूज करेंगे तो उसका वायरिंग है वो सिंपल होगा। सॉलिड स्टेट मतलब नो मूविंग पार्ट है, मूविंग पार्ट नहीं रहेगा तो आर्क प्रोड्यूस नहीं होगी, और टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज नहीं होगा। फिफ्थ है मॉड्यूलर डिजाइन है, इजी टू रिपेयरिंग एंड एक्सपांड है, मतलब उसका रिपेयरिंग है वो इजी है और इजी हम उसको फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। सिक्स है जो मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है वो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं हम पीएलसी यूज करके, और उसकी जो इंस्ट्रक्शन है हम इजीली सेट भी कर सकते हैं, और उसका वायरिंग है वो कम होगा तो हम इजीली मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। और पीएलसी है उसकी साइज ही स्मॉल रहती है, हम पहले भी देखा था कि स्टार डेल्टा स्टार्टर करके हम मोटर को कंट्रोल करेंगे तो नंबर ऑफ मोटर होगी तो उसका स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो भी ज्यादा रहेगा। जो पीएलसी है वो स्मॉल साइज रहती है, उससे वो नंबर ऑफ मोटर है उसको कंट्रोल कर सकते है। चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है पीएलसी की। फर्स्ट है प्रोसेस ऑटोमेशन प्लांट है, जो ऑयल प्लांट है, गैस प्लांट है, वहाँ पे हम पीएलसी का यूज करते हैं। ग्लास इंडस्ट्री है, वहाँ पे पीएलसी का यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे भी पीएलसी का यूज होता है। बॉयलर मींस थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे भी पीएलसी का यूज होता है। आई होप कि आपको पता चल गया कि पीएलसी क्या है, उसका वर्किंग क्या है, हम क्यों पीएलसी का यूज करते हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंट और लाइक ही हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए।